इस वीडियो के आई है प्राइस मुझे अराउंड पड़ा है टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज आज मैं अकेली हूँ ना इस वजह से मैं थोड़ा सा डल फील कर रही हूँ मेरी बहन नहीं है मेरे साथ मुझे छोड़ के चली गई रुको जरा सबर करो मतलब छोड़ के घर चली गई अगर मिंत्रा uh, से शॉपिंग करने के लिए आई पर्सनली आई दर वेट फॉर द सेल या तो फिर मैं ऐसा वेट करती हूँ मुझे कूपन अवेलेबल हो अदरवाइज मिंत्रा से शॉपिंग करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस हो सकता है आप सभी लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे तो आप सभी भी ये कर सकते हैं एक सजेशन है मेरी तरफ से मतलब ये सो मिंत्रा इज नोन फॉर इट्स वर्सिटाइल कलेक्शन एंड पर्सनली मुझे मिंत्रा का जो इंडियन वेयर कलेक्शन है वो तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और काफी समय से मैं कोई भी कुर्ता सेट हॉल लेके नहीं आई थी तो मैंने सोचा की क्यों ना आज का वीडियो मैं बनाऊ मिंत्रा कुर्ता सेट हॉल के ऊपर तो आज का जो पूरा वीडियो मैं करने वाली फाइव कुर्ता सेट हॉल फ्रॉम मिंत्रा क्योंकि मेरे पास थे और दूसरा मैंने सेल से इन सबको सबेस किया तो मुझे ऑलमोस्ट ये टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज के हाँ इसीलिए मैं बोलती हूँ की मिंत्रा से शॉपिंग करने के लिए सेल का वेट कीजिए या तो फिर कूपन अगर आपके पास होते तो कूपॉन्स लगा के ही मिंत्रा से शॉपिंग कीजिए सो यस हे गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माईट्यूब चैनल आई एम पूजा जन था ऑन फैशन क्लोदिंग हॉल लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा एसेट्रा सो स्टे टून टू माई चैनल फॉर मोर अफोर्डेबल फैशन अपडेट

मेरे पास कुर्ता सेट कौन सा है तो सबसे पहले मेरे पास कुर्ता सेट ये है फटाफट से पास से है. में के लिए नहीं है ये बट गर्मियों काफी, है, काफी आप ऐसे बोलोगे काफी कूल टाइप का भी है ये तो मुझे तो काफी ज्यादा सही लगा और सबसे बड़ी बात की मैंने मंगाया था मीडियम साइज और वैसे मीडियम साइज के पैंट जो ट्राउजर्स होते मुझे फिट नहीं आता है बट फॉर्चुनेटली मुझे मीडियम साइज का पैंट फिट आ गया तो काफी ज्यादा ही खुश और एक्साइटेड हूँ मैं सो so, पैजामा जो है इसका ऐसे टाइप का कुछ है एंड नीचे से हल्का सा आपको ये नैरो टाइप का देखने को मिलेगा और पूरा कम्पलीटली ये मेरा एंकल तक जा रहा है तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो ये ठीक है मेरी हाइट ऑलमोस्ट फाइव वन या फाइव टू है इतना मुझे कोई आइडिया नहीं है फाइव टू होगी तो मेरी हाइट के हिसाब से तो ये काफी ज्यादा सही है अगर मैं इसके वेस्ट बैंड की बात करूँ तो वेस्ट बैंड इसका पार्शल वेस्ट बैंड है आगे से एकदम पूरा फ्लैट टाइप का और जो फ्लैट टाइप के पैजामे होते हैं ना मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ना यहाँ पे कोई ऐसे गैदरिंग टाइप की नहीं बनाता है वैसे मैं मोटी हूँ गैदरिंग अगर होती है तो मैं और ज्यादा मोटी लगती हूँ बट इसमें फॉर्चुनेटली गैदरिंग नहीं है तो मैं शायद इसमें पतली लगू साइड में ट्राई ऑन एड कर दूंगी तो देख लीजिएगा एंड पीछे से इसने इलास्टिक दे रखा है तो पैजामा तो हमारा हो गया कुर्ते में अगर आप देखो ना तो कुर्ते में ऐसे वर्टिकल टाइप के टाइप की पैटर्न टाइप का दे रखा है काफी ज्यादा अच्छा काफी ज्यादा कूल पैटर्न है काफी ज्यादा आप ऐसा बोलोगे की ऑफिस अप्रोप्रिएट है अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर अगर आप कॉलेज वगैरह भी जाते हैं तो आप इसको पहन के जा सकते हैं एंड अगर मैं इसके स्लीव की बात करूँ तो इसका स्लीव एकदम थ्री फोर्थ स्लीव थ्री फोर्थ स्लीव का इतना ज्यादा चलन चला है ना एंड अगर मैं नेक की बात करूँ तो नेक इसमें कुछ अलग हटके मैंने सोचा की हटके मूँ हाफ कॉलर नेक टाइप का मैंने कुर्ता मंगाया तो मुझे मुझे ये पर्सनली काफी अच्छा लगा एंड अगर मैं इसकी लेंथ की बात ले तो इसका लेंथ एकदम काफ लेंथ है तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये मुझे हाँ पूरा मतलब घुटने से नीचे तक ही आ रहा था बट अगर मुझसे कोई लंबी लड़की होगी तो शायद उनके नीच तक पहुंचे बट मतलब ओवरऑल जो इसका लेंथ है काफी ज्यादा अच्छा है काफी ज्यादा स्टंडिंग और काफी ज्यादा गॉर्जियस ये कुर्ता है मुझे तो काफी ज्यादा पर्सनली अच्छा लगा अकॉर्डिंग टू द प्राइस थ्री सिक्सटी नाइन रुपीज अगर इसका प्राइस थाउजेंड के ऊपर दिखाएगा तो थाउजेंड के ऊपर मेरे हिसाब से आपको ये नहीं लेना चाहिए बट अगर सस्ता है तो आप इसको ले सकते हैं बिल्कुल okay, इसको सबको इस सब ना साइड में रख दीजिए और मेरे पास मेरी बहन नहीं है सबको सेट करने के लिए बड़ा ही अकेला फील कर इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इतनी आप समझो कितने नाटक किया ना मैं मतलब भगवान जाता है मैंने कितने नाटक किया है फिर मैंने भगवान जी का इष्ट देव का नाम लेके मैंने सोचा की बनाई देती वीडियो देखा ही जाएगा क्या ही होगा नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता नाउ जो नेक्स्ट मेरे पास आइटम है वो है नाउ प्रिंटेड लेस अप डिटेल ए लाइन कुर्ता विद प्लाजो इसका प्राइस मुझे पड़ा था फाइव जीरो फोर रुपीज एंड अभी इसका प्राइस दिखा रहे हेर एंड नाउ एक ऐसा ब्रांड है जो की वेस्टर्न वेयर में भी अपना सामान रखता है मतलब क्लोदिंग के आइटम्स रखता है और इंडियन वेयर में भी अपने क्लोदिंग के आइटम्स रखता है तो मुझे पर्सनली हेयर एंड नाउ का कलेक्शन काफी ज्यादा पसंद आता है और ये जो कुर्ता मैंने मंगाया था ये कुर्ता काफी ज्यादा मॉडर्न टाइप का कुर्ता है ये मॉडर्न कुर्ता अभी बताऊंगी कैसे मॉडर्न कुर्ता है फटाफट से इसको दिखाती हूँ मैं सबसे पहले हम लोग प्रथा को आगे बढ़ाते हुए बॉटम वेयर की ही बात करेंगे तो बॉटम वेयर इसका प्लाजो टाइप में कुछ है एंड इसका अगर आप इलास्टिक बैंड देखो तो पूरा कम्पलीट इलास्टिक दे रखा है इसने तो इलास्टिक ऐसा गैदरिंग टाइप का नहीं है काफी सही है मुझे ये भी सही लगा एकदम आगे से ना मेरा पेट ऐसे फूला हुआ नहीं आ रहा है सही लगा मुझे ये एंड प्रॉपर ये प्लाजो टाइप का स्टाइल दे रखा है इस तरीके का कुछ है आप ऐसे देख सकते हैं तो तो ये देखो ऐसे ऐसे कुछ है है फिटिंग फिटिंग जो मुझे मुझे इस प्लाजो में आई है, वैसे तो मेरा टेलर भी नहीं करके देता है तो काफी ज्यादा अच्छा फिट वाइज भी काफी ज्यादा अच्छा ही है प्लाजो तो पैजामा तो हो गया हमारा अब बात करते हैं किसकी कुर्ते की ना कुर्ते की अगर मैं बात करूँ तो कुर्ता काफी ज्यादा मॉडर्न है मॉडर्न मैं बताती हूँ कैसे मॉडर्न है सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे पैटर्न की तो इसमें बहुत प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत साइज में ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टाइप का पैटर्न टाइप का दे रखा है जैसे कि आप सभी को दिख रहा है देख लो ये ऐसा कुछ है पूरा एकदम ना नेवी ब्लू और व्हाइट का मिक्सचर करके इन्होंने दिया तो काफी ज्यादा सुंदर काफी ज्यादा प्रिटी ये लग रहा है और मैं पहन के तो काफी ज्यादा प्रिटी अपने आप को फील कर रही थी क्योंकि आजकल मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ रहता है बिकॉज मेरी बहन मुझे छोड़ के घर चली गई है तो इसलिए मैं बहुत मूड ऑफ रहता है तो ये पहन के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि जब हम लोग सुंदर लगते हैं तो अच्छा लगता है ना अच्छा फील होता है ना मैं हूँ या फिर सभी ऐसा फील कर सकता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप भी ऐसा ही फील करते हैं क्या ना अगर मैं इसकी बात करूँ क्लोजर uh, की तो क्लोजर ऐसे ना साइड में चेन क्लोजर दे रखा और ये पहनने में ना मुझे घंटों लग गए बाय ही नहीं किया गया और वीडियो कॉल में थी वो मेरे साथ और हंस रही मेरे ऊपर तो अकेले रहने के ये बहुत सारे कॉन्स है तो so, इस तरीके का कुछ है एंड अगर मैं इसकी हेमलाइन की बात करूँ तो इसमें ना हेमलाइन एकदम ऐसे फ्लैट हेमलाइन टाइप की दे रखी है और आ, मुझे पहले ऐसा लगा था कि शायद यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ हो ऊपर तक बट ये ऐसे मतलब कटा हुआ नहीं है पूरा ऐसे ए लाइन टाइप का ही कुर्ता है ए लाइन कुर्ता जैसे की आपको आ, मैं बताती रहती हूँ की ए लाइन डिजाइन क्या होता है जो पूरा प्रॉपर ए लाइन टाइप का बनाता है तो उनको ए लाइन डिजाइन बोलता है या फिर ए लाइन पैटर्न बोलता है इस तरीके से कुछ है तो पूरा प्रॉपर ये क्या बना रहा है ए टाइप का बना रहा है स्लीव की अगर मैं बात करूँ तो स्लीव थ्री फोर्थ से थोड़ा सा ज्यादा है फुल से थोड़ा सा कम है तो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कैसा है नेक की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर इसमें वी नेक है और वी नेक जैसा की आपको पता है काफी ज्यादा अच्छा नेक्स्ट स्टाइल है हर किसी बॉडी टाइप में चला जाता है स्पेशली मेरा जैसा जो बॉडी टाइप है उसमें तो वी नेक काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मैंने ऐसा क्यों बोला था कि ये कुर्ता काफी ज्यादा मॉडर्न कुर्ता है तो अगर आप पीछे से देखो तो टेड़ा इसमें पीछे से ऐसा है कुछ लेस की डिटेलिंग देखिए जो की काफी ज्यादा अच्छा ये लग रहा है एंड काफी डीप भी है ये तो बट जैसे कभी हम लोग ऑफिस जाते हैं कभी कॉलेज जाते हैं ड्रेस कोड वगैरह होता है जिसमें आप ज्यादा स्किन शो नहीं कर सकते तो ये कुर्ता एक मॉडर्न लुक भी देगा और एक डिसेंट लुक भी देगा तो मेरे अकॉर्डिंगली ये कुर्ता अगर कहीं आप ऑफिस वगैरह जा रहे हैं कॉलेज वगैरा जाए तो आप आसानी से और बहुत अच्छे से आप इसको कैरी कर सकते हैं ये इस कुर्ते का सबसे बड़ा जो प्रो पॉइंट था वो यही था इसमें पीछे ऐसे लेस की डिटेलिंग दी हुई है और मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई बट स्टिल मैंने ये कुर्ता अपनी बहन के लिए रखा है तो मैं ये अपनी बहन को कुर्ता गिफ्ट करने वाली हूँ नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड कुर्ता नाउ नेक्स्ट कुर्ता मेरे पास है इट इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल ऑल अबाउट यू एंड इसका नाम है एथनिक मोटिफ प्रिंट हाई स्लिट कुर्ता विद प्लाजो इसका प्राइस मुझे पड़ा था फाइव सिक्सटी रुपीज एंड इसका प्राइस अभी दिखा रहा है नाइन एटी नाइन बट पर्सनली मैं कह रही हूँ तो अगर आपको ये कुर्ता 989 एटी में भी मिल रहा है तो I swear आपको ये टॉप ले आप, आप भी नहीं लगना चाहते और कुछ ज्यादा प्लेन भी नहीं लगना चाहते तो आप इस कुर्ता को बिल्कुल मंगा सकते हैं अपने लिए नाउ कुर्ता इज समथिंग लाइक दिस अगेन सबसे पहले प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे प्लाजो की तो प्लाजो है ऐसा कुछ प्रॉपर ब्लैक टाइप का और मतलब मुझे समझ ही आए कि मैं खुश हूँ या फिर दुखी हूँ खुश इस वजह से कि मैंने ऑल अबाउट यू ब्रांड का पहले मीडियम साइज का एक ड्रेस मंगा था जो कि मुझे फिट नहीं आया था ठीक है अभी कुछ तीन चार महीने पहले की बात है बट अभी मैंने इसी ब्रांड का मैंने मीडियम साइज में कुर्ता मंगाया तो ये मुझे पैजामा जो है ढीला हो रहा है तो खुशी की बात ये है और दुख किस बात का कि अगर मैंने एक साइज डाउन मंगाया तो मुझे पैंट तो ठीक आएगा बट कुर्ता मुझे टाइट हो जाएगा तो आई डोंट नो की मेरे को इसमें क्या करना चाहिए अब शायद मैं ऑल्टरनेशन ही इसमें कराऊँ क्योंकि रिटर्न तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी इस कुर्ते को बहुत ही ज्यादा स्टनिंग बहुत ज्यादा गॉर्जियस पीस है न प्लाजो की बात करें तो प्रॉपर एकदम ऐसे प्लाजो प्लाजो टाइप का दे रखा है सही लग रहा है मुझे ये एंड अगर मैं इसकी बात करूँ वेस्ट बैंड की तो पूरा पार्सल इलास्टिक इलास्टिक बैंड दे रखा है आगे से ऐसा फ्लैट टाइप का और पीछे से इन्होंने ऐसे इलास्टिक टाइप का दिया हुआ है सो प्लाजो तो चलो ठीक है ना कुर्ता का ना स्टाइल कुछ ज्यादा डिफरेंट स्टाइल है और ऐसे स्टाइल के कुर्ते ना ऑलमोस्ट आपको थाउजेंड की रेंज में तो नहीं मिलता आपको पंद्रह सौ या दो हजार आपने लगाने ही पड़ता है तो कुर्ता कुछ ऐसा है और कुर्ते का मटीरियल पॉलीजॉर्ज का मटीरियल पॉलीजॉर्ज मटीरियल आप समझ रहे हो की काफी ज्यादा सूदिंग ये मटीरियल पूरा ऐसे मोटिव टाइप के प्रिंट दे रखे है जो की काफी सुंदर लग रहा है काफी इसको वेडिंग अप्रोप्रिएट बना रहा है मोटिव प्रिंट्स बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत छोटी छोटी सी डिटेलिंग होती है बट एक एलिमेंट एड करता है तो काले कलर के तो और मुझे पता है कि इसमें मुझे बहुत सारे जजमेंट मिलेंगे बट कोई बात नहीं जय श्री राम ब्लैक कलर जो है ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है हर स्किन टाइप को हर बॉडी टाइप को ब्लैक कलर एकदम फ्लैटर करता ही करता है पूरा नेक को अगर आप देखो तो नेक मैंने ऐसे पूरा प्रॉपर सिल्वर

तो काफी पर्सनल ये सही लगा मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है आपको तो मुझे तो काफी ज्यादा गॉर्जियस ये पीस लगा आई होप आपको भी ये गॉर्जियस लगा हो तो यस सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम एथनिक प्रिंटेड स्टाइल कुर्ता सेट प्राइस और अभी इसका प्राइस दिखा रहा है नाइन ट्वेंटी रुपीज अगर आप किसी वेडिंग में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ये ले सकते हैं एंड ये जो मैंने आइटम मंगाया है ना आईस फाइव सिक्सटी रुपीज में मुझे ये आइटम मिला है और अगर ये आइटम मुझे वन थाउजेंड रुपीज में भी मिलता तो शायद मैं ये मंगा लेती क्योंकि ये ऑल uh, ऑल आप ऐसा नहीं बोलो क्योंकि कुर्ता सेट है ये ना जैकेट क्रॉप टॉप और प्लाजो सेट है मतलब कि थ्री पीस सेट है ये इंडियन थ्री पीस सेट तो काफी ज्यादा सही मुझे लगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रॉप टॉप की कलर जैसे कि आपको दिख रहा है कि वाइब्रेंट पॉपी सा पिंक कलर है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है और आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मेरे हर कलेक्शन में ना एक ना एक पिंक कलर का कुछ ना कुछ तो होता ही है मैं ना बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो रही हूँ पिंक कलर की तरफ सो क्रॉप टॉप ऐसा कुछ है बिल्कुल प्लेन क्रॉप टॉप है बहुत मतलब बहुत प्लेन है इसमें कुछ भी फैंसी टाइप का नहीं दिया है है एंड पीछे से इन्होंने ऐसे ये इस टाइप का दे रखा क्या बोलते हैं इसको प्लास्टिक टाइप का दिया हुआ है तो फिटिंग का ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा एंड यहाँ से बांधने के लिए इन्होंने क्या दे रखा चेन टाइप का दे रखा क्लोजर ऐसा है सो दिस इज आपका क्रॉप टॉप तो क्रॉप टॉप तो काफी अच्छा लग रहा है नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लाजो प्लाजो नहीं है ट्राउजर टाइप का है इसमें ऐसे ही इन्होंने ऐसे इलास्टिक बैंड दे रखा है जो की काफी ज्यादा सही मुझे लग रहा है मटेरियल की बात करें तो दोनों का क्रॉप टॉप और इसका ट्राउजर का दोनों का मटेरियल आपका विस्कस का आपको देखने को मिलेगा तो ये तो ये ऐसा कुछ हो गया इसके ऊपर इन्होंने इसको लेयर करने के लिए दे रखी है जैकेट जो की काफी ज्यादा अच्छी मुझे लगी एंड मटीरियल भी ना इसका काफी रिच मटीरियल काफी रिच वाइफ दे रहा है तो ऐसा कुछ है पूरा प्रॉपर जैकेट टाइप में दे रखा है और जैसे की आपको दिख रहा है की इसमें बहुत ही प्यारे से ऐसे मोटिव टाइप के प्रिंट दे रखे है काफी ज्यादा सही काफी ज्यादा कूल लगा मुझे ये अगर मैं बाजू की बात करूं तो जो स्लीव्स है इसके थ्री फोर्थ स्लीव्स हैं एंड मैं बात करूँ इसकी लेंथ लेंथ की तो इसका ऑलमोस्ट काफ लेंथ ही आएगा तो सही लगेगा साइड में मैं ट्राई ऑन मेंट कर दूंगी तो देख लेना एंड इसमें ना आगे से बांधने के लिए फ्रंट ओपन जैकेट है सबसे पहले तो और बांधने के लिए इसमें ऐसे एक बटन टाइप का दे रखा है तो आप चाहो तो इसको बांध के भी रख सकते हो तो आप चाहो तो इसको ओपन करके भी रख सकते हो तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा आपका लाइकिंग है आप वैसे ही इसको पहन सकते हैं मेरे अकॉर्डिंगली तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं कहीं शादी वादी में जाना है एज अ गेस्ट आप जा रहे हो ब्लैक कलर मम्मी में है, तो आप बिल्कुल इसको पहन सकते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल थम्स अप है क्योंकि काफी ज्यादा गॉर्जियस काफी ज्यादा ब्यूटीफुल ये पीस है ना जो लास्ट कुर्ता मेरे पास है इसका नाम है अनुक जोमेट्रिक प्रिंटेड अंगरखा कुर्ता विद प्लाजो इसका प्राइस मेरे को पड़ा था सिक्स ट्वेंटी एंड अभी इसका प्राइस दिखा रहा है वन वन फोर सिक्स रुपीज एंड फटाफट से दिखाती हूँ कैसा है ये सो अगर मैं इस पर्टिकुलर इसकी बात करूँ कुर्ता स्टाइल की बात करूँ अंगरखा कुर्ता स्टाइल तो प्रॉपर ट्रेडिशनल आपको ये देखने को मिलेगा काफी ज्यादा पुराने टाइम में काफी ज्यादा इस तरीके के कुर्ते चलते थे एंड आई डोंट नो कि मेरे ऊपर कैसा लगेगा साइड में ट्राई कर दूंगी देख लीजिएगा अगर मैं बात करूँ कि मुझे पैकेज में क्या क्या मिला था तो मुझे पैकेज में एक कुर्ता मिला था और नीचे से एक प्लाजो टाइप का मिला था तो एक ऐसा प्रॉपर इसमें ये प्लाजो टाइप का है बस इसमें ना थोड़ा सा बस एक दिक्कत है की बोलते हैं जैसे जो ये डिजाइन है जोमेट्रिक प्रिंटेड टाइप का जो है ना ये थोड़ा सा मुझे वैसा लग रहा है की थोड़ा चीप क्वालिटी का बाकी अगर इसकी लेंथ देखो तो लेंथ आपको बिल्कुल एकदम एंकल लेंथ तक आएगा मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एंड पीछे से

इसको आप चाहो तो यहां से ऐसे बांध सकते हो आप चाहो तो इसको फ्रंट ओपन भी रख सकते अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग बाकी अगर आप उसको बांधना है तो सबसे पहले बांधने के लिए एक यहाँ से दे रखा ऐसे एक टाई आप यहाँ से करेंगे इसको ये टाई हो गया और उसके बाद दूसरा टाई आप इसको करेंगे यहाँ से इस तरीके का कुछ ये बन के आएगा इस तरीके का लुक ये कुछ देगा पूरा एकदम प्रॉपर ना अगर ढंग से इसको ना बांधा जाए तो पूरा प्रॉपर डीप नेक है जिसको डीप नेक नहीं पसंद है बिल्कुल मत लेना अंदर से या तो आपको स्पेक्टी वगैरह ऐसा कुछ पहननी पड़ेगी स्लीव की अगर बात करो तो स्लीवस में ना इसमें एक हल, हल्का सा इसमें अच्छा बहुत खूबसूरत सा एलिमेंट एड किया ये बलून टाइप के स्लीव दे रखे हैं अगेन मुझे पर्सनली ये पैटर्न ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि ऊपर और नीचे का दोनों का पैटर्न सेम हो गया ना तो वो बहुत ज्यादा घिचमिच घिचमिच क्रिएट कर रहा है एक मेरे हाइट के लोगों पे ये इतना ज्यादा फ्लैटरिंग मुझे नहीं लगता है बट ऑब्वियसली अगर आप कैरी कर सकते हो तो आप इसको खरीद सकते हैं आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते बाकी क्वालिटी वाइज सही है फिट वाइज सही है एंड uh, जो फैब्रिक है फैब्रिक वाइज भी एकदम सही है बिल्कुल चीप फैब्रिक नहीं अच्छा है अच्छा फैब्रिक है बट सिर्फ और सिर्फ मुझे पैटर्न पसंद नहीं आया तो यस लास्ट पीस था मेरे पास ये वाला कुर्ता सेट सो इट वॉज ऑल अबाउट डिस वीडियो आई होप यू गॉर्डस लेडीज एंड हैंडसम हैंडसमैन अगर हैंडसम मैन भी देख रहे हैं मेरी वीडियो तो यस आई होप यू गॉर्डस लेडीज एंड हैंडसम मैन लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिट Give this video a thumbs up. और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई है पर आपने ये वीडियो आखिर तक देखी है तब भी इस वीडियो को, को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ फीमेल के साथ और मुझे रात और रात बना दीजिए फेमस <laughs> ये तो मेरा डायलॉग है बट फेमस बनाते आप लोग चलो कोई बात नहीं यूट्यूब ही शायद बना दे मुझे फेमस सो यस आई होप आपको कलेक्शन अच्छा लगाओ अगर आपको कलेक्शन अच्छा लगाओ तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को सभी से मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए बाय बाय